ते हुए ये हुआ है कि पहला फेज जो है उसको हम पहले नॉर्थ ईस्टर्न के जो हमारे बच्चे हैं रह रहे हैं, यानी अरुणाचल के बच्चे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो उनको पहले अरुणाचल में लेकर आएंगे और ये प्रक्रिया हम परसों से शुरू कर देंगे। भारत सरकार ने पूरे देश को 3 हिस्सों में डिवाइड करा है, इनको ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन की बात करी है। तो हर एक जोन के लिए एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क के तहत लॉकडाउन को रेगुलेट किया जाएगा। तो हमारा जो अरुणाचल पूरा राज्य है वो ग्रीन जोन में है। तो ग्रीन जोन के होते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हमने परमिट किया है। अब उसमें चाहे आप जितने हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी कार्रवाई शुरू होगी।